तुझे फिर से? अब तेरी शादी होने वाली है ना मयूरा से, क्यों मेरे बच्चे तेरा ये हाल से क्यों? कुंदन भाग गया वहां, कहीं नहीं मिल रहा। मयूरा मुझसे दूर नहीं हो सकती माँ, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। कुंदन तेरी खुशियों में खलल नहीं डाल सकता मेरे बेटे। किसी तरह अंदर जाके मयूरा को ओमकार का सच बताना ही है मुझे। तेरी माँ ने बलाएं ली है तेरी, ऐसे किसी किसी करम जले को तेरी खुशियां छीनने दूंगी मैं। अब कुंदन ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग। खुश हो जा तू, कल सही मायने में तेरी मयूरा तेरी होने वाली है। अभी मैं ओमकार जी को खुश तो रख पाऊंगी ना, मुझसे इतना प्यार करते हैं शायद उतना जितना मंजरी माँ जी उनसे करती है। उनके पापा भी इतने अच्छे, मुझे बेटी कहकर पुकारा था उन्होंने। और फिर वहाँ पीयूष भी तो है, इतना अच्छा दोस्त मिल गया मुझे। पता है मम्मी, जब वो कहता है ना कि ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा, वाकई ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। सब इतना अच्छा है मम्मी, पर पता नहीं क्यों बहुत बहुत घबराहट सी हो रही है। देख बेटा, घबराहट होना ना लाजमी है, क्योंकि शादी होती तो एक दिन की है पर निभानी रोज पड़ती है। बेटा देख, अगर आप चाहते हैं ना कि कोई आपको अपनाए तो सबसे पहले आपको उसे अपनाना पड़ता है। इसलिए जैसे यहाँ पे माँ की डांट, पापा का गुस्सा, दादी की बातें अपने दिल से नहीं लगाती थी ना, वैसे ही वहां पे भी किसी के गिले शिकवे को अपने दिल से मत लगाना। हाँ हाँ लल्ली, और ससुराल जाते ही अपनी सास को दुश्मन मत घोषित कर दियो, वैसे ही ये सास नाम की प्रजाति तो बदनाम है। और सुन बेटा, हर बात की चुगली अपनी पति से ना करियो मुहूर्त निकाल के, समझ गई? मम्मी ठीक कह रही है बेटा, रिश्तों की इमारत तभी लंबी टिकती है जब आपने उसकी नींव में अपना मन रखा और अपनी ये प्यारी सी स्माइल रखी हो, ना कि बजर बट्टू। ओहो, यहाँ तो लगी पड़ी हैं दोनों सास बहू हमारी बेटी को उस घर के लिए तैयार करने में। उस घर में जाके ना इस घर को भूल ना जाना। ये घर भी तेरा था, है और रहेगा। वो अलग बात है कि भाई घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, तो वहां की बातें वहीं रहें तो बेहतर है। वहां जाके सीसीटीवी कैमरा बन के डायरेक्ट टेलीकास्ट मत करना यहाँ पे। लेकिन कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, दिल को अच्छा ना लग रहा हो, दिल उदास हो, हमारी याद आए, मुझे फोन करना, समझी? को बेटी बेटी करते हुए थकती है लोग, और मैं कौन हूं? मैं तो बोझ हूं ना। नजर बट्टू की जगह अपनी मुस्कान लगा देना, यही कहा था ना मम्मी ने,
जब मैं तेरी मुस्कान ही गायब कर दूंगी मयूरा, तो फिर मेरी नजर लगने से कौन बचाएगा तुझे? पापा, मैं तभी खुश होकर जा पाऊंगी जब मेरी दी खुश होगी। अरे अभी नाराज है वो, खुश हो जाएगी, जानती ना कैसी है वो, हाँ? फिकर मत कर, हम सब मिलकर उसको समझाएंगे। आज इस घर में तुम दोनों का आखिरी दिन है। ये दिन जितना तेरे लिए खास है ना, हम लोग उसके लिए भी बना देंगे। चल रोते नहीं। ए रसमलाई, आंसू बचा के रख, विदाई के वक्त बहा लेना। अभी हल्दी का मुहूर्त आ गया है, चल। चरण स्पर्श गुरु जी, तेरी शादी का न्योता तो नहीं आया मुझे, पर मेरा आशीर्वाद तो किसी न्योते का मोहताज नहीं है ना। चिरंजीवी भव, अपनी जिद से अपनी किस्मत को बदला है गुरु जी, और अब आपका आशीर्वाद भी मिल गया। अच्छा लग रहा है। भगवान तुझे खूब खुशियां दे। पर जो बात मैंने कही थी उसे हमेशा याद रखना ओंकार। ओंकार के हाथों में सुंदर पत्नी की रेखा तो है, लेकिन उसके प्रेम और साथ की लकीर नहीं। आपकी बात अतीत थी गुरु जी, मैंने अपना वर्तमान खुद निश्चित किया। प्रणाम। कम से कम मंच तो अलग अलग बनवा लिया होता। मेरे भतीजे और बेटे में फर्क है भाई। आपके लिए आपके भतीजे और बेटे में फर्क होगा, लेकिन मेरे लिए तो दोनों बेटियां एक समान है और मेरे दामाद भी एक जैसे ही मेरे लिए तो। और इसी के साथ सुंदर सी दुल्हन की स्वैग वाली एंट्री देखिए। आप बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, थैंक यू संजय। मयूरा को ढूंढ रहे हो? आ जाएगी ब्रो, वो आ गई। तेरी ही रहता।
जैसा हसी ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं खुमारी में तेरी रहता न देखा है तुझसा हसी लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी ये पागलपन है या है दीवानापन ये मयूरा ओमकार जी आपने क्या किया भीगा ने चीखा उसे बचाने के लिए मैंने तुम्हें अलग किया मुझे नहीं पता था मेका डर के फिसल जाएगी मुझे तुम्हारी फिक्र है मयूरा वैसे भी बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं रात भर हमारी शादी की विधियां चल रही हैं तुम्हें जुकाम हो गया तो जी, वो दी है मेरी दी आप ठीक हो ना आपको चोट तो नहीं लगी आई एम सॉरी मेघा मैंने जानबूझकर नहीं किया मुझे नहीं पता था तुम डर के फिसल जाओगी आई एम रियली सॉरी मैं ठीक हूं एक्सीडेंट था आपने जानबूझ के नहीं किया इट्स ओके कोई बात नहीं बला टली सब ठीक है मयूरा थोड़ा मुस्कुराओगी तो अच्छा रहेगा आज तुम्हारी भी शादी है ना मतलब मुझे लगा कि शायद बहन की फिक्र में भूल गई होगी तो याद दिला दूं अरे कोई है अकलमंद जो वरमाला लेकर आएगा हाँ हाँ लिया मैं बच्चे वरमाला होते ये काम खत्म करते मुहूर्त निकाल के अपने भैया को ज्यादा ऊपर मत उठा देना कहीं हमारी बेटी लहंगे में फसफसा गई तो गिर गिरा जाएगी आ। क्या आइडिया दिया दादी आपने मस्ती मजाक के चक्कर में तुम्हें चोट लग गई तो जोखिम नहीं ले सकता मैं
लो भैया भी कमाल करते हैं, मैं इन्हें ऊपर गोदी में उठा रहा हूँ और ये नीचे बैठ गए। उफ, ये मोहब्बत। जरा रुको, ऐसे कैसे जीजू? हमारी फेवरेट मयू दीदी के लाडले भाई है हम, इतनी आसानी से नहीं लेने जाने देंगे। लो आ गए जीजे के भाई। हाँ, लेट रखती हूँ। अरे यार, शराफत का जमाना ही नहीं रहा। क्या कर रहा है पीयूष यार, ठा मोड़ा है? हाँ भाई, तो हो जाए बराबरी का मुकाबला, आ जाए। चलो जीजू, चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो भैया, कम ऑन जीजू, उठाओ जीजू। चलो भैया, अब मंडप की ओर चलो, बहुत हो गया सेल्फी कुल्फी, अब चलो 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 चलो। ये क्या है? पॉलिथीन से ढका हुआ मंडप? ये कैसे हुआ है? ये क्या है? अंकल, वो ओमी भैया ने कहा था तो ओमकार जी, पापा ने तो मंडप बनवाया था ना हम चारों के लिए, तो पर ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिंजरा है। मैंने खास तौर से बनवाया संजय भाई साहब और मेघा के लिए। किसी की छींक या किसी चीज से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए बनवाया। सावधानी बरतने में कुछ गलत तो नहीं है ना? गलत है ये। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, और मेरी मयूरा की फिक्र करना गलत है, तो हाँ हूँ मैं गलत।
मुझे मेघा से कोई बैर नहीं है। नहीं, संजय भाई से आपका रिश्ता मेघा के लिए लेकर आया था, तो फिर मैं उनके साथ कुछ गलत क्यों करूंगा? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा। मैं कुछ हो जाता तो, कोई इंफेक्शन हो जाता तो? ओमकार जी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत है, पर मैं अपनी दी से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं भी थोड़ा कुछ सही कर दूँ अपनी दी के साथ। आपको डर है ना कि इस मंडप में मुझे कहीं इन्फेक्शन, ठंड या सर्दी ना हो जाए? तो हम ऐसा करते हैं कि इस पॉलिथीन से कवर्ड मंडप में मैं और आप फेरे ले लेते हैं।